अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। सही में मेंढों की वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, और मेंढों को इस तरह से रोके रखना, क्योंकि इन लोग जो घुमा के ऐसे आड़ी मारते, आड़ी बोलते हैं इन लोग अक्सर लोग, तो बड़ा खतरनाक मारते हैं यार, वो बहुत दिक्कत का मामला होता है। और हम लोग एक्चुअली व्यू के हिसाब से रोड पे बनाते हैं, गाड़ियाँ भी आती है, तो थोड़ा सी डिफिकल्ट होता है, या फिर लेट नाइट बनाए तो हो नहीं पा रहा है। लेकिन बहरहाल कल वाला मेंढा आपने देखे थे, 90 केजी वाला, माशाल्लाह बहुत शानदार था और बहुत अच्छा मेंढा था। अल्लाह के फजलो करम से वो तो ऑलरेडी बिका था। मैंने चीता के बारे में बताया था कि बारीक स्पॉट में चीता हमारे पास एक नया आया है, तो ये मेंढे को अपन दिखाते हैं। अमन पहले इसको दिखाते हैं। ये क्वालिटी देखो, चार दांत पे मेंढा है इससे, 65 केजी आई थिंक है एवरेज, हम लोग बता रहे हैं 65 किलो का लगभग मेंढा है ये। इसकी साइज, इसकी सिंग देखो यार, माशाल्लाह। इसको एक बार अच्छे से इसके बदन की प्रिंट आज भागा, ये चलो ठीक है रहने दो, वैसे ही पकड़ता हूँ। बदन की प्रिंट भी इसकी अपन देखेंगे। देखो विलायती है, फोर सेल है, अगर किसी भाई को इंटरेस्ट हो ये लेने में तो 65 केजी लगभग है मेंढे की, इसलिए इनको पकड़ना भारी काम हो जाता है। ये देखो 65 किलो का मेंढा है, चार दांत पे, सिंगार क्वालिटी। हम लोग जो क्वालिटी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ताल्लुक से तो बहुत बेहतरीन चीज़ ला रहे हैं हम लोग। इसको ऊपर एक बार, हाँ हो गया बेटा, आ जा आ जा, भाव ऊपर ले लो, ऊपर ले लिए, ऊपर इन लोगों को सेट करना। ये लुक है ना, थोड़ा ये हिसाब से हम लोग खड़ा रखते हैं, ये थोड़ा दिखने में भी अच्छा रहा, इसकी पूरी फिजिक्स दिखती है, इससे सींग विंग सब चीज़ें दिखती है। चार दांत का मेंढा है, विलायती, बेहतरीन क्वालिटी का हम लोग ला रहे हैं। सींग विंग का भी आप शेप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा सींग का शेप कितना अच्छा है। ये माथा वाथा भी जो इन लोग पकड़ते हैं, माथे पे भी देखो शल वल आना स्टार्ट हो गया है, कलमुआ है, काले मुँह का है, टिपके है पूरे बदन में, चीते जैसे टिपके है। और बहुत फिटिंग वाला मेंढा, एकदम गोल नटिया है। अब लड़ाई का तो आइडिया नहीं है हम लोग लड़ाई की नॉलेज रखते नहीं है, लेकिन मेंढा शानदार है। हम लोग ने माशाल्लाह हाल फिलहाल में, अभी मेरे पास और 5-6 मेंढे हैं, हरें दो ठीक है चलेगा, 5-6 मेंढे और है मेरे पास है, तो हम लोग एक एक करके उसकी वीडियो अभी बनाएंगे। मैं आज शायद 2 या 3 मेंढे की वीडियो बना के रख दूंगा और एक एक करके डालूंगा। लेकिन ये आज का फोर सेल है, हॉट केक है। ये देखो इसको माशाल्लाह, अरे नहीं मार देगा यार, ये आज का हॉट केक है हम लोग का। आज़ाद नाम रखे थे हम लोग ने इसका, जिसके पास था शायद उसको आज़ाद बोलते थे लोग, और शाहरुख खान की फिल्म में भी उसका नाम जवान में आज़ाद है, तो मेरे को नाम सूट किया, मैंने इसको चेंज भी नहीं किया कि बोला यार आज़ाद नाम अच्छा लग रहा है और आज़ाद नाम से चलेगा भी। अभी तो काफ़ी टाइम है ये मेंढे को, मेरे ख्याल से साल भर अगर ये किसी के पास रहता है या मेरे पास भी रहता है तो अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी है, पालने के लायक माल है। देखो मैं पालने के लायक जो मेंढे ला रहा हूँ, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, क्योंकि जो कलेक्शन हम लोग ला रहे हैं खरीद के और बेच रहे हैं, उसके अंदर एक खास चीज़, मैं पहले की भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, खास चीज़ ये है कि जो मेंढे मुझे पर्सनली पसंद आते हैं मैं वही मेंढे खरीदता हूँ, ये आप चीज़ समझिए। मैं किसी के बोलने पे कि ये मेंढा बहुत अच्छा है, आसिफ भाई आप ये ले लो, हम लोग इसकी ये नस्ल है, इसका ये ऐसा है, ये लंबी दूम है, ये छोटी दूम है, ये हिमाचल है, ये उत्तराखंड है, ये पठानकोट है, मैं बिल्कुल ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता। शौक मेरा है, मैं ये कारोबार का माहिर आदमी हूँ, मेरे को जो चीज़ समझ में आती है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के, मैं अगर पर्सनली इसको पालूँ तो ये कैसा बनेगा, वो हिसाब से मैं खरीदी करता हूँ। और दूसरी चीज़ कैसा है, हमें लड़ाना नहीं है, या जिनको हम लोग बेचते हैं मोस्टली हम लोग सबको समझा के बेचते कि इसको लड़ाना नहीं है, लड़ाना मुनासिब नहीं होता है, तो वो हिसाब से भी लोग खरीदते हैं हम लोग से और कुर्बानी के लिए ले रहे हैं लोग, तो कुर्बानी के लिए ले रहे हैं तो उनको सिर्फ खूबसूरत जानवर, बेहतरीन जानवर, ऐसे ही जानवर ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि जो मुझे पसंद आ रहा है मैं खुद पर्सनली अपने लिए पालने के लिए रखूं, तो वैसा मेंढा मैं आप लोगों के लिए लाऊं। तो माशाल्लाह वही हो रहा है, हम लोग जो जो मेंढा ला रहे हैं माशाल्लाह एक से दो दिन के अंदर
अल्लाह के एहसान से बिक जा रहा है। तो ये भी मेरे को पूरा यकीन है आज़ाद के मामले में, क्योंकि आज़ाद की क्वालिटी जो है नटिया है थोड़ा सी। और देखो खाली रुक रहा नहीं, हम लोग और भी वीडियो बनाए हैं पहले मिनटों की, लेकिन वो रुकते हैं अपनी जगह पे, ये रुकता नहीं है ज़रा भी। और क्वालिटी भी आपके सामने है, तो अगर किसी भाई को इंटरेस्ट हो ये लेने में, चार दांत किया हुआ मेंढा है और 65 kg एवरेज है मेरे ख्याल से। 1-2 kg दाने के बाद कभी कभी होता है कि हम लोग बेचते हैं वहाँ जाने के बाद खाली पेट, दोपहर में जब डिलीवरी होती है, हमारा दाना शाम में हो रहा है और दोपहर में डिलीवरी हो रही है, तो वो टाइम पे वेट थोड़ा 1-2 kg कम हो जाता है, क्योंकि चूनी खिलाने के बाद वेट अच्छा बढ़ता है दाने में। तो वेट 1-2 kg आगे पीछे आप पकड़ के चलिए जो भी हम लोग बताते हैं। तो फॉर सेल है, अगर किसी भाई को इंटरेस्ट हो तो दिए हुए नंबर पे अमान को या तौसीफ को या मुझे, तीनों को किसी को भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये मेंढा ऑल ओवर इंडिया जहाँ तक का ट्रेन कर, मैं एक अच्छी चीज़ बेंगलोर, आंध्रा, हैदराबाद, माशाल्लाह इतने लोग हमारे मेंढे बाहर जा रहे हैं और लोग ले रहे हैं, खुशी खुशी ले रहे हैं। और उनको जो चीज़ हमारा रेट यहाँ का मिलता है वहाँ के रेट में हमारे रेट तो फ़र्क है। मेरे एक कस्टमर ने, उन्होंने बताया कि बोले आसिफ भाई आपका रेट कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा टाइट बेच रहे हैं, लेकिन बाहर के हिसाब से ये रेट बिल्कुल कम है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ऐसे मेंढों की कीमतें बहुत ज़्यादा हवा में रहती है। तो ये अच्छा मेंढा है, अगर हमारे बॉम्बे वाले इंटरेस्टेड हो तो सबसे पहले वो लोग हाथ मारो, या फिर अगर बाहर वाले अगर कोई लेना चाहता है तो बाहर वाले भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, लेकिन उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।